रेत माफियाओं के हौसले बुलंद, बंदूक की नोक पर किसान के खेत से निकाल रहे हैं अवैध तरीके से रेत। दरअसल मामला भिंड जिले के माड़ई का है, जहां एक किसान के खेत से अवैध तरीके से रेत का किया जा रहा है कारोबार। किसान राघवेंद्र सिंह ने जब रेत माफियाओं को रोकने का प्रयास किया तो माफियाओं ने किसान को खेत से बंदूक की नोक पर भगा दिया। जब किसान ने कहा कि यह खेत तो हमारा है, तो माफियाओं ने कहा कि यह खेत तुम्हारा नहीं है, यह तो हमारा है, आपको जो करना है वो कर लें। जब किसान ने कहा कि हम भिंड कलेक्टर से आपकी शिकायत करेंगे, तो रेत माफियाओं ने कहा हमें तो ओपीएस भदौरिया मंत्री जी ने आदेश दिया है कि यहीं से रेत निकालना है, आपको जो करना है वो कर लें, आपको जिले में जिससे शिकायत करनी है आप कर सकते हैं, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जिसको लेकर पीड़ित किसान राघवेंद्र सिंह ने भिंड कलेक्टर को दिया आवेदन। लगातार एक साल से किसान भिंड कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रहा है, साथ ही लगातार एक साल से राजस्व विभाग की लापरवाही के कारण किसान के खेत से लाखों रुपए का रेत माफिया उठाकर ले गए। किसान यदि रोकने जाता है तो उसको बंदूक दिखाकर भगा दिया जाता है और कहा जाता है कि यदि तुम खेत पर आओगे तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। आखिर राजस्व विभाग की इतनी लापरवाही क्यों? राजस्व विभाग की जांच करके किसान का हक किसान को दिलाना चाहिए। पीड़ित किसान राजस्व विभाग एवं भिंड कलेक्टर एवं माइनिंग विभाग एवं मुख्यमंत्री तक अपने आवेदन भेज चुका है, फिर भी किसान की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। आखिर यह किसान कब तक इस दर्द को सहता रहेगा? कहीं न कहीं मंत्री के इर्द गिर्द में घूमने वाले लोग ही अवैध तरीके से रेत का कारोबार कर रहे हैं। लगातार 5 दिन से जब हमने मंत्री से मिलने का प्रयास किया तो मंत्री जी के पास हमारे लिए कोई समय नहीं है। आखिर मंत्री के पास पत्रकारों के लिए कोई समय नहीं है, तो ऐसे किसानों को यूं ही परेशान होना पड़ेगा। किसान के आरा जी नंबर 367, 368, 344 व 365, इन सभी जगह पर रेत माफियाओं का कब्जा। जब इस विषय में हमारी भिंड कलेक्टर से बात हुई तो उन्होंने माइनिंग विभाग एवं राजस्व विभाग की टीम बनाकर कार्रवाई कराने के आदेश दिए और कहा कि इस विषय में हम जांच कराएंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भिंड जिले में मंत्रियों की हो रही है मनमानी, आखिर भिंड जिले में भ्रष्टाचार का आलम कब खत्म होगा? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मामला हमारा भाई साहब ये है कि हम एक साल से पूरे जिला के अधिकारियों को अपनी कार्रवाई कर चुका हूँ। हमने विधिपूर्वक सीमांकन कराया था, आरआई नंबर हमारा 341, 364, 340, 365, 368 है। 6 नंबरों का हमने सीमांकन कराया था। हमारा माड़ी मौजा पड़ता है उमरी सर्किल भिंड, लेकिन हमारी ज़मीन नदी कटान से 150-200 बीघा जमीन उस पार निकल चुकी है। उसके बारे में उन लोगों ने हमारा कब्जा कर लिया है। पहले वो एक टाइम भिंड की टीम गई थी, कलेक्टर साहब ने आदेश किया था, उसके बाद उन्होंने हमारा कब्जा किया, पर साल कब्जा रहा। इस समय हमारा उन लोगों ने जबरदस्ती मंत्री के कहने पे मेरी ज़मीन पर जबरदस्ती कब्जा किया, रेत माफियों को चालिया किया। और पर साल केदार सिंह खेरा श्यामपुरा वाले ने हमारी खदान वहाँ पर खदान चलाई थी, तो जबरदस्ती उन पर जब टीम एसडीएम साहब वहाँ पहुँचे थे तो वहाँ पर उन्होंने कहावत 22,50,000 का गबन किया था। अधिकारी उस टाइम अधिकारी प्राप्त था खनन विभाग का, उस जगह पे उन लोगों ने ये केस दायर किया था। हम अधिकारी के पास जो खनन विभाग में हम जाते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं वो तुम्हारी कार्रवाई चल रही है, वो दोबारा इन साल हमारी जबरदस्ती ज़मीन को जोत करके और फिर भी उन पर खनन चालू कर दिया है। वर्तमान में आज 20 दिन से बराबर ट्रैक्टर वगैरह खुदाई करी जा रही है, हमारी कोई अधिकारी नहीं है। कौन मंत्री है? मंत्री थे वो कहावत है ओपीएस बोलते हैं, वो भी तुम्हारी ज़मीन को कटवा देंगे और तुम ज़्यादा करोगे, प्रशासन हमारे हाथ में है, और अगर जो ज़्यादा करोगे तो उनसे जान से मरवा दिया जाएगा। क्या नाम है इन लोगों का? कहना है क्या नाम है इन लोगों का? मर्दान सिंह के लड़के हैं, नाती है सब, गोलू है। कब्जे किए हमारे 10-12 लोग। क्या क्या नाम है? मर्दान सिंह पाटीदार और वे बच्ची लाल वो वगैरह, ये कुछ धोबी हैं, असर पी लाल बरेठा और सरपंच वर्तमान में जो स्टेम है वो सब मिलके राजू और इस ज़्यादा अधिकतर ज़्यादा पाटीदार लड़का जो मर्दान सिंह के लड़के हैं वो शाम को बंदूक गोली लेके सामने आ जाते हैं। विष्णु हैं, गोलू है। अभी 2 दिन पहले तुम रोकने गए, 2 दिन पहले रोकने गए तो हथियार लेके आ गया, बोले जान से मार दे, प्रशासन हमारे हाथ में, मंत्री जी ने तुम्हारी रुकवाई है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम राघवेंद्र सिंह है। कौन सा गाँव? ककारा गाँव है, मोजा हमारा माड़ी पड़ता है। से मुझे अभी जानकारी मिली है, मैंने अभी तत्काल माइनिंग ऑफिसर और माइनिंग इंस्पेक्टर को निर्देश दिया है कि विद इन फ्यू डेज उसको स्पॉट इंस्पेक्शन करके, संयुक्त दल बना के स्पॉट इंस्पेक्शन करके उसमें विधिवत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।